अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लंबे गो, यानी कमर का दर्द। कमर का सबसे नीचे वाले हिस्से में जब भी दर्द होता है, इंतहाई शिद्दत वाला होता है, जो नाकाबले बर्दाश्त होता है। तो इसकी कई वजूहात हैं, बच्चों में, बड़ों में और ख़ास तौर पर औरतों में ये बहुत नुमाया तौर पर होता है, और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहली वजह में आप ये नोट करना दोस्तों कि जो मौसम, जैसे सर्दी का मौसम है, अक्सर मरीज़ हमें आकर बताते हैं, जहाँ मैंने सफ़र किया, मुझे सर्दी लग गई, मेरी कमर में शदीद दर्द, कमर टूट रही है, उससे सीधा नहीं हुआ जाता, थोड़ी सी मूवमेंट हरकत करने से मुझे तकलीफ़ हो जाती है। अगर ऐसी अलामत है तो आप सबसे पहले एकोनाइट 30 और ब्राई यूनियन 30 आल्टरनेट उसको चंद खुराकें 10-15 मिनट पर रिपीट कर दें, और उसके बाद सुबह, दोपहर, शाम, हफ्ते 4 दिन में इंशाल्लाह मुकम्मल ठीक हो जाए, और कोशिश करें कि साथ बेड रेस्ट करें। दूसरे नंबर पे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जब उनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या इंजरी हो जाती है या उन दबाया जाता है, उसके बाद उनकी कमर में शदीद दर्द होता है, जिससे उनको सीधा होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहली दवाई हमारी आर्निकट, उसको 200 में 5 ड्राप सुबह और 5 ड्राप शाम दें, और उसके साथ रस्टॉक्स 30 में एक हफ्ते में इंशाल्लाह उसकी कमर दर्द मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान इंतहाई शदीद कमर दर्द हो जाता है, और उनको पायल की शिकायत भी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में एस्क्यूलसिव 30 में और इसके साथ ब्राई यूनियन 30 में, ये आल्टरनेट दोनों अद्वियात देनी है, इंशाल्लाह चंद दिनों में कमर दर्द से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। और इसके अलावा कुछ औरतों में कमर दर्द की वजूहात में, जब वो घर का काम करती हैं, कपड़े धोती हैं या सिलाई के करती, सात दिन बैठी रहती हैं, उसकी वजह से उनकी कमर सीधी नहीं होती, तो ऐसी सूरत में ज़्यादातर जो है ना, अगर आपको 3 दवाइयों के नाम याद हो, आप उनको कंबाइन कर लें, या उनमें से जो भी करीब तरीन हो वो एक दवा दे दें, इंशाल्लाह उनकी कमर दर्द भी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। उन 3 दवाइयों में क्या है, पहले नंबर पर है रस्टॉक्स, दूसरे नंबर पर रूटा, तीसरे नंबर पे बैलेंस पेरिनस। इन तीनों अद्वियात को मसूद फार्मेसी की ले लें, अच्छा रिजल्ट है उनका है। इनको कंबाइन करें, 5-7 ड्राप 2-2 घंटे बाद चांदे खुराक के दें, उसके बाद सुबह, दोपहर, शाम दें, इंशाल्लाह कमर दर्द मुकम्मल ठीक हो जाएगा। और इसके बाद अक्सर औरतों जिनको लकोरिया की शिकायत होती और साथ कमर दर्द है, जब उनसे अलामत ली जाती हैं तो वह कहती हैं हमें लकोरिया बहुत है, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है, तो ऐसी सूरत में कोशिश करके यूपीओन 30 ताकत में, कलकेरिया कार 200 सुबह शाम, और यूपीओन 30 सुबह दोपहर शाम, सिर्फ एक हफ्ता, इंशाल्लाह इससे मुकम्मल तौर पर उसकी कमर दर्द भी ठीक हो जाएगा और लकोरिया भी कवर हो जाए। लेकिन कुछ औरतों में लकोरिया और कमर दर्द में पल्साटीला का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर औरत हॉट है, यानी उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ओपन एयर डिज़ायर उसमें बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में आप पल्साटीला 200 में सुबह और शाम, सिर्फ एक हफ्ता, इंशाल्लाह कमर दर्द भी ठीक हो जाएगा और उसका लकोरिया भी कवर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ दोस्त ऐसे हैं जो खेती बाड़ी का या सख्त काम करते हैं, जैसे पल्लेदारी करते हैं या कोई वज़न उठाते हैं, धकेलते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत का कमर का दर्द होता है, तो ऐसी सूरत में आपको रस्टॉक्स 200 में सुबह, दोपहर, शाम देनी चाहिए, और इसके साथ कलकेरिया फ्लोर 30 में, तो इंशाल्लाह वो कमर दर्द भी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। और इसके बाद कोशिश ये है कि कमर दर्द में जैसे साइटिका है या बाकी इनके मोरों का कोई मसला है या स्लिप डिस्क का मसला है, तो आपको सबसे पहले उनका चेकअप करवाना चाहिए, एक्सरे लेने चाहिए कि उसकी कंडीशन क्या है, तो उससे आपको आसानी तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद कुछ दोस्तों में जब कमर दर्द होता है, जब क्रॉनिक हो जाता है, तो अक्सर उनमें वो नमनेस यानी सुन पान होना शुरू हो जाता है, तो और कमर ऐसे लगता है जैसे किसी चीज़ का वो वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी यानी वीक होगी, तो ऐसी सूरत में आपको निफाइलम 200 में 5 ड्राप रोज़ाना देने चाहिए, और इसके साथ कलकेरिया फास और कलकेरिया फ्लोर 6x में बायोकेमिक में आपको मिल जाएंगी, इसकी 6-8 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम नीम गर्म पानी के साथ 10-15 दिन दें,
इंशाल्लाह वो कमर दर्द भी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बआसानी पहुँच सकें। वस्सलाम।